नमस्कार, सिलवासा न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दामिनी फाउंडेशन द्वारा लगातार डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय पहुंच रही हैं नगर पालिका विस्तार के घरों में। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश और उनकी मुहिम जारी है। इस दौरान उनकी पूरी टीम के साथ वह नजर आ रही हैं, जहाँ पर वह सिलवासा नगर पालिका विस्तार के वार्ड नंबर 14 में मारुति कॉम्प्लेक्स में नजर आई। देखिए, इस दौरान उन्होंने महिलाओं को बात करते हुए क्या कहा। अपनी महिलाएं, क्योंकि मन में कभी कभी ये भावना आ जाती है, आत्मविश्वास थोड़ा मजबूत होना चाहिए। आप आइए और बढ़िया से। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आप मेरी बात सुनने के लिए सारे समय निकाल कर इकट्ठे हुए, और मैंने अभी कुछ लेडीज से बात करी कि आप लोग कुछ वर्क करती है, हाउसवाइफ है, तो ज्यादातर यहाँ की महिलाएं मुझे लग रहा है हाउसवाइफ है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करके नाम कमाना चाहिए, तो इसी के लिए मैंने सबाना जी को बोला कि मुझे कुछ महिलाओं को दामिनी में काम सिखवाना है, तो आप महिलाओं को इकट्ठा करिए और कुछ ना कुछ सिखाएंगे तो महिला आगे बढ़ेगी, पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे जा सकती है। ऐसा तो आप मानते हो ना कि सारी महिला कितनी आगे बढ़ चुकी है, तो घर के काम से थोड़ा समय निकालकर अपने लिए कुछ करना कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इसीलिए हमने एक दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन की स्थापना करी है। एक महीना हो चुका है, 16 जनवरी का इसका उद्घाटन हुआ। इसकी मेन ब्रांच दमन में है और यहाँ सिलवासा में ये एक ही ऐसा फाउंडेशन है जिसमें बिना निस्वार्थ भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें सिलाई मशीन की क्लास दी जाती है, पार्लर की क्लास दी जाती है और कंप्यूटर क्लास सिखाई जाती है, और हाल ही में हमने 2 दिन पहले डिसीजन लिया कि स्पीकिंग क्लास भी होनी चाहिए। महिलाओं को इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कम से कम आप इस काबिल बने कि स्कूल में जब जाओ तो आपको शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि मेरे बच्चों का आज ओपन हाउस है, प्रिंसिपल मुझे अगर अंदर बुलाएगी तो मैं क्या बात करूंगी, मेरे बच्चे के बारे में क्या पूछूंगी। तो कम से कम आप एडमिशन का फॉर्म भर सको, अपना काम कर सको, ऐसा ही भावना लेकर हमने ये एनजीओ खोला है। तो मेरे आप सभी से अनुरोध है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक एनजीओ की पूरी क्लासें हमारे पूरे दिन चलती है, उसमें कंप्यूटर और सिलाई और अपने क्या बोलते हैं इसको पार्लर की क्लासेस भी है। सारे टीचर वहाँ पे मौजूद है आपको सिखाने के लिए। आपको खाली लैंडमार्क 218 नंबर दुकान का नंबर है, होंडाई शोरूम के ठीक ऊपर ये एनजीओ है। आप आइए, अपने आप को तैयार कीजिए। और आप में से कोई ये जरूर पूछेगा एनजीओ की फीस क्या है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एनजीओ है जो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब लेते हैं, तो हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। मंथली 100 रुपीज है खाली। तो मेरा 100 रुपए रखने का एकमात्र यही कारण था कि कम से कम जब हम कहीं पे पैसा देते हैं ना, तो हम एक सीखने की ललक होती है कि मैं महीने के 100 रुपए वहां पे दे रही हूँ, तो मुझे अपना टाइम निकाल कर, घर के कामों से टाइम निकाल कर हमें वहां पे जाके कुछ सीखना चाहिए। 100 रुपए बड़ी रकम नहीं है, खाली इसीलिए रखी गई है कि कम से कम आप सीरियसली इस काम को प्रॉपर तरीके से सीखें। और जब आप सीख कर निकलती है, आगे के एडवांस कोर्स भी जब हम सिखाएंगे उसके बाद, जैसे कोई गरीब महिला है तो मेरी तरफ से उसको मशीन भी गिफ्ट की जाएगी कि सीखने के बाद वो महिला अपना रोजगार चालू कर सके। तो धीरे धीरे इस एनजीओ में भारत सरकार की योजना से भी मैं जुड़ूंगी, काफ़ी महिलाओं को उसमें मैं लाभ दिलवाऊंगी। तो मेरा यहाँ मैन आने का कारण यही था कि आप सभी महिलाएं वहाँ आइए, जुड़िए।